हेलो एवरीवन। सो ये है एक्सिस बैंक का स्टॉक। एज यू नो, ये भी एक कप पैटर्न है, बट अनक्लियर्ड कप है ये। और कप में सबसे अच्छी बात यह है कि जितना अनक्लियर्ड कप होगा उतना ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक कैंडल ही है, यहाँ से गिरा, एक यहाँ से गिरा। काफ़ी लोग कहेंगे कि कप नहीं है, पर ये कप ही है, जो कि क्लियर कप नहीं है। और ऐसे ही कप ज़्यादा अच्छे चलते हैं और बैंक भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें हमारी एंट्री थी इस कैंडल पे, लास्ट पे। आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। हमारी एंट्री थी इस कैंडल के लास्ट में यहाँ पे। और अभी इस वक्त तकरीबन तकरीबन 6-7% पर भाग जा चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अपनी आप रिसर्च करें, उसके बाद ही आप इसमें जाना जा सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस दिखाता हूँ मैं आपको। स्टॉप लॉस लगेगा 34 मूविंग एवरेज पर। ये देखिए MA 34, इस पर आप जाके इनपुट में लेंथ 34 करके ओके कर दीजिए। स्टॉप लॉस लगाते हैं वीकली देख के और खरीदते हैं मंथली पे। अगर ये स्टॉक इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाए, इट मीन्स स्टॉप लॉस ट्रिगर और हमको यहाँ से निकलना है। तो दैट इज हाउ आप ऐसे स्टॉक ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए लिया गया है, कम से कम 2.5-3 साल या उससे भी ज़्यादा।